अब मलेरिया को मिलेगी मात। मलेरिया सबसे पुराने और घातक संक्रामक रोगों में से एक है। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में हर साल हजारों बच्चों की मौत का कारण बनती है। इसके लिए अब तक कोई टीका नहीं था, लेकिन अब दुनिया को मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया हथियार मिल गया है। मलेरिया से लड़ने के लिए मिला नया हथियार। वैज्ञानिकों ने बीमारी को रोकने में मदद करने के लिए पहला टीका विकसित किया है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इससे हर साल हजारों बच्चों की जान बचाने में मदद मिल सकती है। इस टीके को ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन ने बनाया है। बताया जा रहा है कि यह नया टीका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को विफल करने के लिए बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को जगाता है, जो 5 मलेरिया रोगजनकों में सबसे घातक है। इस टीके का नाम है मॉस्क्विरिक्स। यह सिर्फ मलेरिया के लिए नहीं, बल्कि किसी भी परजीवी बीमारी के लिए पहला विकसित किया गया टीका है। परजीवी वायरस या बैक्टीरिया की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और मलेरिया के टीके की खोज 100 वर्षों से चल रही है। मलेरिया की वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। WHO ने जिस वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है, उसका वैज्ञानिक नाम है RTS-SAS-01। WHO ने यह अनुशंसा संगठन की 2 बड़ी एडवाइजरी बॉडी के आधार पर दी है। ये वैक्सीन 5 महीने से ऊपर के बच्चों को दी जाएगी। इसके कुल 4 डोज बच्चों को दिए जाएंगे, और अब तक इस वैक्सीन के अफ्रीका के 3 देशों में 23 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित साबित हुई है। WHO ने बताया ऐतिहासिक घटना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस टीके का समर्थन किया और कहा इस प्रक्रिया में ये पहला कदम है, इसका गरीब देशों में व्यापक वितरण होना चाहिए। WHO ने ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम के निदेशक डॉक्टर पेड्रो अलोंसो ने कहा, मलेरिया का एक टीका सुरक्षित, मध्यम रूप से प्रभावी और वितरण के लिए तैयार होना एक ऐतिहासिक घटना है। नैदानिक परीक्षणों में पहले वर्ष में गंभीर मलेरिया के खिलाफ टीके की प्रभावकारिता लगभग 50% थी, लेकिन चौथे वर्ष तक यह आंकड़ा 0 के करीब आ गया। परीक्षणों ने सीधे तौर पर मौतों पर टीके के प्रभाव को नहीं मापा, जिससे कुछ विशेषज्ञों ने सवाल किया, क्या ये अनगिनत अन्य असाध्य समस्याओं वाले देशों में एक सार्थक निवेश है? 2,60,000 अफ्रीकी बच्चे हर साल गंवाते हैं जान। बता दें कि मलेरिया वैसे तो दुनिया भर में बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन अफ्रीकी देशों में इसका प्रकोप कहीं ज्यादा रहता है। हर साल करीब करीब 2,60,000 अफ्रीकी बच्चे मलेरिया की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। जानलेवा मच्छरों से बचेगी लाखों लोगों की जान। पिछले साल एक मॉडलिंग अध्ययन में अनुमान लगाया गया था, अगर मलेरिया के सबसे ज्यादा मामलों वाले देशों में टीका लगाया जाता है तो ये 5.4 मिलियन मामलों को रोक सकता है, और हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 23,000 मौतों को रोक सकता है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक परजीवी रोगाणु से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये रोगाणु एनोफिलीज जाति के मादा मच्छर में होते हैं, और जब ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसके खून की नली में मलेरिया के रोगाणु फैल जाते हैं। ये रोगाणु व्यक्ति के लीवर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, वहां इनकी गिनती बढ़ती है। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर शाम को काटते हैं। मलेरिया के कारण, क्योंकि मलेरिया के परजीवी रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, इसलिए ये मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए दूसरे व्यक्ति में भी संप्रेषित हो सकते हैं। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण और एक ही सिरिंज का 2 व्यक्तियों में इस्तेमाल करने से ये रोग फैल सकता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर जनित रोग बुखार, ठंड लगना और फ्लू जैसी बीमारी का कारण बनता है। अगर मरीज को जल्द इलाज नहीं मिलता तो बीमारी और फैल सकती है और शख्स की जान जा सकती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे मलेरिया से प्रभावित होते हैं। मलेरिया के लक्षण, सिरदर्द होना, उल्टी होना, जोड़ों में दर्द होना,
कमजोरी और थकान महसूस होना, शरीर में खून की कमी, आंखों का रंग पीला होना, बुखार सहित फ्लू जैसे लक्षण महसूस होना, ठंड के साथ कंपकपी होना। मलेरिया बुखार कई बार एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। मलेरिया से बचाव, मच्छरों से बचें। वहां सोएं जहां मच्छर ना हो या फिर कपड़ा ओढ़कर सोएं। शरीर पर सरसों का तेल लगाएं, इससे मच्छर नहीं काटते। मच्छर रुके हुए पानी में पैदा होते हैं, इसलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। घर के आसपास गड्ढों और पानी के इकट्ठा होने वाले स्थानों को भर दें। छत की टंकी, टैंक, कूलर, इन तमाम चीजों का पानी हफ्ते में बदलते रहें। खुले स्थान जहां पर पानी हटाना संभव ना हो वहां मिट्टी का तेल डाल दें। बार बार बुखार चढ़ने उतरने पर तुरंत जांच कराएं। मलेरिया बुखार होने पर संतरे का जूस जैसे तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। शरीर का तापमान बढ़ने और पसीना आने पर ठंडा टॉवल लपेट लें। मलेरिया में क्या खाएं? जब बुखार उतरे तब अरारोट, साबुदाने की खीर, चावल का पानी, अंगूर जैसी चीजें जरूर खाएं। कच्चा केला, परवल, बैगन, केले के फूल सब्जियां खाएं। गर्म पानी में नींबू निचोड़कर स्वाद अनुसार चीनी मिलाकर 2-3 बार पिएं। प्यास लगने पर थोड़ा थोड़ा छाछ पिएं। बुखार में गर्म पानी और बाद में गर्म किया ठंडा पानी ही पिएं। मलेरिया में क्या ना खाएं? दही, शिकंजी, गाजर, मूली, इन तमाम चीजों को नहीं खाना चाहिए। मिर्च मसाले और अम्ल रस से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं और ना ही ठंडे पानी से नहाएं। रोगी को आम, अनार, लीची, अनानास, संतरा, ये तमाम चीजें नहीं खानी चाहिए। ठंडी तासीर के फल और पदार्थ ना खाएं। एसी में ज्यादा ना रहें और ना ही रात को एसी में सोएं। मलेरिया की वजह से दुनिया भर में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। ऐसे में वैक्सीन के आने से दुनिया भर को बड़ी राहत मिलने वाली है। WHO ने बताया हर 2 मिनट में मलेरिया से दुनिया में किसी एक बच्चे की जान चली जाती है। मलेरिया के वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कई टीके मौजूद हैं, लेकिन ये पहली बार है जब WHO ने वैक्सीन के व्यापक इस्तेमाल के लिए एक टीके की सिफारिश की है। बहरहाल इस टीके के लॉन्च होने से अब ये उम्मीद जगी है कि भारत समेत दुनिया के करीब 87 देशों में फैली इस खतरनाक बीमारी से लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।